300 टाइप्स ऑफ इयर रिंग्स एंड हेयर स्टाइल, दैट शोज द लग्जरी ऑफ दोज डेज। नारी सौंदर्य के जितनी भाव हो सकते हैं सब भावों को दिखाया, जैसे निपल्स को फोंडल करते हुए, साड़ी को ठीक करते हुए, मास्टरबेटिंग, फोंडलिंग हरसेल्फ, पाँव से कांटा निकालते हुए, सिर में सिंदूर भरते हुए, बीच में शिवलिंग भी दिखाया है टू गिव ए मैसेज दैट सेक्स इज नॉट अब्यूज। हम लोग बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि जो खजुराहो है सिर्फ सेक्स टेंपल्स के लिए या कामा सूत्रा की 64 पोजीशंस के लिए है, लेकिन जो सर हमें बता रहे हैं कि ये सब भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी जो क्रियाएं हैं जिसमें कि आपको लोग एक दूसरे के संग फिजिकली अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर लस्ट नहीं होगी, एक वासना नहीं होगी। काम वासना संभोग, इन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग खजुराहो के इन मंदिरों में तो ज़रूर आते हैं, लेकिन मंदिरों के पीछे छुपे इतिहास को वो अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इन मंदिरों को यहाँ क्यों बनवाया गया, यहाँ इन मंदिरों के पीछे का इतिहास क्या है, और यहाँ की मंदिरों का तंत्र क्रिया से क्या नाता है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम आए हैं खजुराहो के इन मंदिरों को, जिनके लिए हमने एक ऑथराइज गाइड को हायर किया है। तो हम उनसे मिलते हैं और आपको पूरा मंदिर घुमाते हैं। ये सभी मंदिर करीब 1000 साल पहले बन चुके हैं, 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चंदेल वंश का शासन था पूरी सेंट्रल इंडिया में। उनकी राजाओं, चंदेल वंश के राजाओं की राजधानी का नाम था महोबा। महोबा आपने सुना होगा, करीब 65 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, हाँ जी। महोबा वॉज ए पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ चंदेला। ओके। खजुराहो वॉज ए रिलीजियस कैपिटल, ये एक सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ पर कोई फोर्ट नहीं है, कोई पैलेस नहीं है, केवल मंदिर ही मंदिर है यहाँ पर। ओरिजिनली उन लोगों ने इस गाँव के चारों तरफ करीब 85 मंदिर बनाए थे, 85 ऐसा कहा जाता है। 85 मंदिरों में से केवल 22 मंदिर शेष हैं, और मंदिर समय काल के साथ टूट गए होंगे, लाइटनिंग की तरह टूट गए होंगे। तो ये सबसे इंटैक्ट मंदिर इसी ग्रुप में है, ये पश्चिमी मंदिर समूह कहलाता है। सर, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। अभी रिसेंटली 1986 से इनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ले लिया गया है, यूनेस्को लिस्ट है। पूरे जो गलियारे से हम अंदर एंटर किए हैं, आपने हमें बहुत कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, तो अभी आप हमें यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, ये मंदिरों का जो पूरा समूह है, आप हमें सबसे पहले किस मंदिर में लेके चल रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको लक्ष्मण मंदिर को दिखाऊंगा, जो सबसे प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर इंटैक्ट है, कम टूटा फूटा है, इसका प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, ये 80% इंटैक्ट है। इस मंदिर को देखने के बाद हम जाएंगे दूसरे महत्वपूर्ण मंदिर की ओर, कंदारिया महादेव मंदिर की ओर, सबसे ऊँचा मंदिर है। अच्छा, वो पेड़ों के पीछे की साइड है, वो बाद में दिखाएंगे आपको। तो देखते हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर। राजा लक्ष्मण ने बनाया था, उसका दूसरा नाम यशोवर्मन भी था। सर, ये जो मूर्तियां, इनका क्या मतलब है? ये छोटा सा बच्चा शेर के साथ संघर्ष करता हुआ है, चंदेल वंश का लोगो है, ये उनका राज्य चिन्ह है, चंदेलों का राज्य चिन्ह है। जी हाँ, उसको वहीं से चक्कर काट के हम आपको ले आएंगे, फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के लोअर स्टेज में ये पूरा लोक जीवन दिखाया है। अब बोलेंगे अच्छा। भाई कामा सूत्र क्यों दिखाया? टू एंटरटेन द पीपल, टू हैव सम फन एंड फैंटेसी। मैंने कई आपको बताए थे, तंत्र का प्रभाव और धर्म अर्थ काम, आर्टिस्टिक फ्रीडम भी है। लॉट ऑफ पीपल आर किल्ड इन द बैटल फील्ड, दे वॉन्टेड टू हैव सम फन एंड फैंटेसी। ये दिखेगा लड़ाई के मैदान में सोल्जर फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, इस सैनिक ने चीफ ऑफ द आर्मी को सिग्नल दिया है ना? और लेकिन ये लीगल नहीं था, इसलिए वो अपने आप को आँख से छिपाएगी। अच्छा, वो लोग जानवरों के संग ही सेक्स कर रहे हैं? नहीं, करते थे, ये परपर्सन है साहब, इमेजिनेशन है आर्टिस्ट का। अच्छा, ये इमेजिनेशन है। हाँ, और करते भी होंगे तो कुछ जो इमेजिनेशन आया यंग आर्टिस्ट को, उसने वो भी दिखाया ना। अच्छा, पहले मंदिर के बाहर जो है लोक जीवन को देखेंगे, क्योंकि उसमें टीवी नहीं था, टेलीविजन नहीं था, तो पूरे लोक जीवन की कथाओं को मंदिर के बाहर दिखाया है। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। सबसे पहले दिखाए गणेश जी को, गॉड ऑफ गुड लक, अष्टभुजा गणेश हैं, चार हाथ दाईं तरफ, चार हाथ बाईं तरफ, टंप टूटा हुआ, एक हाथ टूटा हुआ, बड़ी टमी है, बड़ा पेट है, एक दंत है, ऊपर किन्नर और गंधर्व है, देखे ऊपर उड़ते हुए, और पाँव के नीचे उनका मूषक वाहन है, मूषक वाहन पाँव के नजदीक बीच में दिखे, टांग के बीच में उससे कोने में वो दाढ़ी वाला आदमी है, उसके दाएं तरफ ट्रांसजेंडर है, उसके बाईं तरफ ये विषकन्याएं हैं जिनके सिर पे नाग छाया है। विषकन्याएं तो आप जानते होंगे, राजा महाराजा दूसरे राजा को मारने के लिए इनका प्रयोग करते थे, छोटी छोटी आई से उनको इम्यूनाइज किया जाता है विष से। और यहाँ पर ताकत झाकी कर रहा है, मतलब नौकर ताकत झाकी कर रहा है कि वो लोग पर्सनल क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्यूरियोसिटी है मानव जीवन की जो आज भी लोगों में रहती है, आजकल भी रहती है लोगों में।
कहीं कुछ होता है तो हम लोग बड़ी क्यूरियोसिटी से। एक्चुअली कुछ लोग जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने एक्सपीरियंस लिया होगा लाइफ में क्या क्या होता है, तो उन्होंने सब उसको तराश दिया या पत्थरों में, जो इमोशन उसके दिमाग में आया उसने तराशा। यहाँ पर देखा पुरुष नारी एक दूसरे को कपड़ों में खींचता छिड़खानी करता हुआ। अच्छा, एक दूसरे के संग जैसे लाइक रोमांस कर रहा है ये, यहाँ पर एक दूसरे को कन्विंस करता हुआ पूरा पूरा, मतलब एक एक पार्ट लाइफ का दिखाया गया है यहाँ पर। ये पानी आने का स्थान है, इसको गोमुख कहेंगे। सभी मंदिरों में पूजा होती होगी, पूजा के बाद ये पानी बाहर निकलता है। जैसे वो शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है उसको निकालेंगे कैसे? शिवलिंग पे या कोई अभिषेक होता है या भगवान की जो है स्नान होता है, पूजा होती है एवरीडे होती थी उसमें पूजा, ये विष्णु को समर्पित है तो विष्णु पूजा होती होगी। उसके बाद इस कपिल को बंदर परेशान कर रहा है। देखा आपने बंदर मन की? हाँ, बंदर मन की चंचलता का प्रतीक। जब आदमी का मन वासनामय हो जाता है तो बंदर की से एक्टिविटी करता है, ही इज नॉट स्टेबल। तो उन्हें उस स्टेबिलिटी को दिखाया गया। मैंने आदमी बंदर को दंडे से पुश कर रहा है, अपनी वाइफ के संग खड़ा है या दासी के साथ जैसे भी, लेकिन वो बंदर जो है डंडे को छोड़ नहीं रहा है। हाँ, वो पकड़ के खड़ा हुआ। वासना इतनी जल्दी नहीं भागती हमारे जीवन में। बिल्कुल, हम जब मंदिर में जाएं तो हमारे मन में से सारी वासनाएं गंदी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, इसलिए आपने हमें पूरा मंदिर का चारों तरफ हमें दिखा दिया वो दृश्य जो इंसान अपने मन में लेता है और भोगता है। और कोई कहीं युद्ध दिखाया गया है, कहीं जीवन का सार दिखाया गया है, तो उन सबको छोड़कर आप मंदिर में एंटर करें। तो इसलिए अर्धचंद्र शिला है। हाँ, इसमें सब छोड़ देना चाहिए इस शिला पे, या यहाँ पर भी छोड़ देना चाहिए। ये देख, एक और चंद्र शिला है यहाँ पर, ये देखिए दोनों शंख भी है, पवित्र हो जाएंगे। यहाँ के शंख अभी साबुत है दोनों। गेट पर एक ही पत्थर का बना हुआ तोरण द्वार, क्रोकोडाइल आर्च। ये मंदिर के एंट्रेंस पर बना हुआ है मकर तोरण। सही, ये दोनों तरफ जो ये बना हुआ है ओम का साइन है ना? ओम का भी, उल्टा ओम भी है, उल्टा ओम भी है, और क्रोकोडाइल आर्च इसको कहते हैं। तो क्रोकोडाइल का क्या मतलब है इसमें? गंगा जी का वाहन है, गंगा जी का वाहन है। क्रोकोडाइल शुभ माना जाता है, एलिफेंट भी शुभ माना जाता है। एलिफेंट वो आपके ऐसा कर रहा है, मतलब सूंड से आपका स्वागत कर रहा है ऊपर, इसको आप क्रोको एलिफेंट कह सकते हैं। कई प्रकार के तोरण द्वार होते हैं, कहीं आम के गुच्छे लगा देते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। आम के गुच्छे? हाँ, पत्थरों के रूप। अच्छा, उसको आर्च गेट। ये देखिए आप मंदिर का पहला भाग, इसको बोलते हैं अर्ध मंडप। अर्ध मंडप, बहुत सुंदर लोटस का डिजाइन। वर्तमान के बारे में भी संस्कृत, ये संस्कृत में पूरा जो है। ये कौन सी लैंग्वेज है सर? ये देवनागरी लिपि है, बुद्धिस्टिक संस्कृत कह सकते हैं आप। अभी हम ये प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इसका क्या मतलब है? जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पर जस्ट क्लासिकल डांस होता है भगवान के लिए। अच्छा, भगवान के लिए भी डांस यहाँ पे होता है? क्लासिकल डांस, क्योंकि वो तो स्वर्ग में रहते हैं ना भगवान, और वहाँ पर देवदासियाँ होती हैं, अप्सराएं होती हैं। तो ये मेन बाहर का अर्ध मंडप था और ये हमारा हो गया मंडप, ये महामंडप, और वो हो गया गर्भगृह। ये चौथा है अंतराल, इसके चारों तरफ परिक्रमा पथ है। ये परिक्रमा पथ है जिसके चारों तरफ मंदिर के हम चक्कर लगाएंगे। पांचवा है गर्भगृह, ये लोग बेकार में अंदर जा रहे हैं, है नहीं। अच्छा, जो मंदिर जो मूर्ति है वो खंडित है अंदर, इसलिए यहाँ पूजा वूजा नहीं होती है। इसको खजुराहो इसलिए ही बोला जाता है कि यहाँ खजूर के पेड़, ऐसा बोला जाता है, उसका क्या मतलब है? खजूर वाटिका थी, खजूर ज्यादा थे तो इसलिए इसका नाम ही खजूर वाटिका पड़ा था, तो इसलिए बाद में इसको फिर खजुराहो कहा जाने लगा। अभी हम लक्ष्मण मंदिर को पीछे छोड़ते हुए इस गलियारे से होते हुए, बहुत बड़ा ही समूह है मंदिरों का, अब हम कंदारिया महादेव जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा भव्य मंदिर आपको पहले दूर से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर उसके बारे में हमें पास चल के डिटेल में बताएंगे। इस मंदिर में सात तालों में शिव को समृद्ध है, सप्त मात्रा, ये चामुंडा माई है, देखिए पेट में बिच्छू है, ये हेल्थ है, डेमन्स को खाती है, प्रेत में बैठी हुई है, ये चामुंडा, चामुंडा माता है। तो सात आलों में हर आले में एक एक मात्रिका दिखाई। अच्छा,
सर जैसे इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि हम आजकल जो लोग पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें नहीं था पर्दा प्रथा नहीं था, फीमेल्स को फ्रीडम्स था, बहुत ज्यादा फ्रीडम था कुछ भी करने का, और उनको यहाँ पर ना एक जैसे बोले कि हर कोई डिसीजन मेकर बताया गया है। गणिकाएं तो राज्य का शासन भी, हाँ जैसे आप बोल रहे हैं कि वो हिस्सा लेती थी, मेन हिस्सा लेती, जैसे आजकल औरतों से मेन डिसीजंस नहीं लिए जाते बड़े कामों के, लेकिन वहाँ उस टाइम पर लिए जाते था। अच्छा सर, आप हमें आप किस मंदिर में ले जाएंगे नेक्स्ट? मैं अब आपको ले जाऊंगा देवी जगदम्बे मंदिर में। वो किस साइड पड़ेगा सर इस मंदिर में? बाईं तरफ इसी प्लेटफॉर्म में है। अच्छा, बगल में ही जो मंदिर दिख रहा है एक और, नहीं ये तो महादेव मंदिर है, बीच में आगे वाला मंदिर, उसके आगे वाला बीच में जो छोटा मंदिर, यहाँ पे एक महादेव मंदिर था, सिंबल दिख रहा है, सिंबल है उसमें चंद्रवंश का राज चिन्ह है। अच्छा, जैसा आपने हमें लक्ष्मण मंदिर के बाहर दिखाया था जी, वही राजचिन्ह, जैसे यहाँ पर एक लेफ्ट में और राइट में बना भी हुआ है, हाँ, चंदेल वंश का ये स्टेट एम्बल, इसमें ये बच्चा कौन है जो ये शेर से लड़ रहा है? बताते हैं कि चंदेल वंश का जो प्रथम शासक था, जो हिमावती से पुत्र पैदा हुआ था, वो इतना पावरफुल था कि उसने शेर का शिकार कर लिया था, टू शो देयर अपने शक्ति और पराक्रम दिखाने के लिए उन्होंने इसको चंदेल वंश के राज चिन्ह के रूप में, जिनका जन्म चंद्रमा और हिमावती से जिनका हुआ था। तो ये भी स्टोरी है कि मतलब ये सबसे पहले राजा रहे हैं यहाँ के, ये बालकनी में लोग बाग बैठे हुए, एक एरोटिक सीन यहाँ है, अंगड़ाई का चित्र, एक ओल्ड मैन होल्डिंग द सेक्स ऑफ द स्टूडेंट, इसको बता रहा है कि एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये देख, वो उनको सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं तांत्रिक क्रिया में, तांत्रिक क्रिया, वही चीज़ है ना कि हम हर चीज़ को सेक्स से जोड़ रहे हैं मंदिरों में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सर बता रहे हैं कि यहाँ पे तंत्र क्रिया भी है, जहाँ पर हम लस्ट को छोड़कर, वासना को छोड़कर ये सब क्रियाएं करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर की ऊर्जाएं जागृत हों। तंत्रिक जो है बड़ा मिस्टिक कल्ट होता था, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो इस मंदिरों का तंत्र क्रिया से क्या संबंध है, वही सर आपको बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट संबंध है तंत्र क्रिया का इन मंदिरों से। ये देखिएगा, वो हाथ जोड़ के खड़ा है, वो बताते थे शरीर की एनर्जी को कैसे रूपांतरण किया गया। बिल्कुल सर, आइए सर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये सर बता रहे हैं कि यहाँ माता पार्वती का मंदिर है, तो इस मंदिर परिक्रमा पथ नहीं होगी, मंदिर इस मंदिर में परिक्रमा पथ नहीं है, नवरात्रि के दिन 9 दिन ये खुला रहता है पब्लिक के लिए, उस समय बिना टिकट के एंट्री होती है यहाँ पर, हाँ, पूजा करने वालों की। इंटैक्ट मूर्ति है पार्वती जी, मूर्ति है, बहुत सारी डिजाइन्स यहाँ पर भी बनाए गए हैं, बट मुझे एक चीज बहुत अलग लगी, इस मंडप में 8 खंबे हैं, मतलब इसमें हवन कुंड भी है, एक हवन कुंड बनाया गया, और बाकी जो कंदारिया महादेव थे, जो लक्ष्मण मंदिर था उसमें हवन कुंड नहीं था, लेकिन इस मंदिर में हवन कुंड भी है, और इसके जो पिलर्स हैं इस मंडप के, वो 8 पिलर्स हैं, जबकि बाकी सब मंदिरों में 4 पिलर्स ही हैं। तो ये कुछ अलग मंदिर है माता पार्वती का, जिसमें कहते हैं आज भी पूजा होती है नवरात्रों के दिन पे। बाकी लेफ्ट और राइट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रोशनदान बने हुए हैं, और मैं आपको मंदिर के गर्भगृह में दिखाता हूँ, माता पार्वती की यहाँ एक मूर्ति है, जो कि आज के टाइम पे यहाँ पर एक गेट लगा दिया गया, जाली लगा दी गई है, तो आप देख रहे हैं सामने माता पार्वती जी की मूर्ति है, तो जालियों में से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अभी हमने आपको दिखाया पीछे पार्वती मंदिर था, बगल में कंदारिया महादेव जो है उनका मंदिर था, और आप उधर जो देख रहे हैं वो लक्ष्मण मंदिर। अभी हमने जो पश्चिमी समूह के 3 बड़े मंदिरों को कवर किया, और छोटे छोटे आसपास के जो मंदिर थे वो सर ने हमें दिखाए हैं। अभी हम सर आप हमें नेक्स्ट कहाँ ले जाने वाले हैं? चित्रगुप्त टेम्पल। चित्रगुप्त टेम्पल वो इसी हॉरिजॉन्टली इसी पैरेलल इसी लाइन में है, इसी लाइन में वो आपको दिख रहा होगा। अभी हम वहाँ चल रहे हैं चित्रगुप्त मंदिर। चलिए सर चित्रगुप्त मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर के चित्रगुप्त मंदिर के अंदर, जिसमें कहते हैं सूर्यदेव जी की मूर्ति है, जो अभी आप सर आपको डिटेल में बताएंगे अंदर चलकर। तो सर बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं, जैसे कि हर मंदिर की कुछ अलग खासियत होती है, कुछ अलग उसकी वैल्यू होती है, जो अलग अलग यहाँ इतने मंदिरों का समूह है, तो मैक्सिमम मूर्तियाँ आपको सेम मिलेंगी, बट कुछ हमें जो सर छाट छाट कर दिखा रहे हैं कि इन मूर्तियों का क्या महत्व है और क्यों वो अलग है उन और बाकी मूर्तियों से। जैसे देखिए यहाँ कपड़ों को खींचते हुए दिखाया है ना, घुंघरू मारते हुए, पाँव से कांटा निकालते हुए, ये भाग तो सब रिस्टोर है। यहाँ पर भी एरोटिक सीन है, ये बड़े बड़े पेट वाले योगी लोग हैं। सर उस टाइम पे योगियों का क्या महत्व होता था? बहुत ज़्यादा महत्व था उनका, तांत्रिक युगों के बाद बहुत बड़ी शक्तियाँ थी, राजा महाराजा भी उनसे डरते थे। अच्छा, तो उनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो दिन एनर्जी हुआ करते थे, तो उनका यूज करके राजा महाराजा उनकी बहुत हेल्प लेते होंगे। हाँ, वो हेल्प जरूर लेते होंगे।
ये पत्थरों को ले जाते हुए दे आर कैरिंग द स्टोन। तो ये पूरी वही स्टेयर्स हैं ऊपर जाने की, हम सेंटर में चलते हैं, मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं। बाकी मंदिरों का आर्किटेक्चर सेम है, बाहर अर्ध मंडप था फिर मंडप है। ये मंदिर बिना परिक्रमा पथ को निरंधार मंदिर, पहला मंदिर में भी आपको परिक्रमा पथ नहीं मिला। हाँ, पार्वती मंदिर में भी परिक्रमा पथ नहीं था और यहाँ पर भी परिक्रमा पथ नहीं है। देखा, बूट्स पहने हुए हैं, बूट्स के नीचे आप देखेंगे तो सात घोड़े, छोटे छोटे घोड़े से दिखाई, बताया था ना सूर्य के रथ को सात घोड़े खींचते हैं, पाँव के नीचे देखिए आप जस्ट नथिंग, हाथ तो टूटे हुए हैं, नीचे उंगलियों की तरह दिखाई, पाँव के नीचे। तो ऑलमोस्ट हम आपको सारा जितने भी टेंपल्स हैं इस पश्चिमी समूह में हम आपको पूरा दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। ये तो अभी हमारा संग सूर्य भगवान जी का मंदिर था, मैंने आपको दर्शन करा के बाहर ले आया हूँ। नेक्स्ट में ऐसे ही इस बहुत बड़ा ये समूह है मंदिरों का, ये पूरा का पूरा प्रांगण है मंदिरों का, खजुराहो का, पश्चिमी समूह का। तो इसमें हम नेक्स्ट मंदिर की तरफ चलते हैं, विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ टेम्पल तो हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो विश्वनाथ जी का टेम्पल है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस खजुराहो मंदिर से रिलेटेड जो आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक देखिए, इन्जॉय करिए और अपने हिस्ट्री को जानिए, हमारे इंडिया में कितना डिफरेंट कल्चर और कितनी डिफरेंट बातें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। ये ग्रेनाइट, तो जितना भी हमें ये बीच में सर बता रहे हैं थोड़ा बहुत पत्थर दिख रहा है, सब ग्रेनाइट पत्थर है जो इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में उस समय पाया जाता होगा। तो इसलिए इन मंदिरों के बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ज़्यादातर सब ग्रेनाइट के ही बनाए गए हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे नंदी और राइट साइड में यहाँ पर दिखाई देंगे विश्वनाथ जी टेम्पल। ये भी बहुत भव्य मंदिर है, कोनों के मंदिर इसमें टूट चुके हैं, दो ही शेष हैं। आइए इसका एंटी क्लॉक वाइज लगा लेते हैं इधर। अच्छा, एंटी क्लॉक वाइज क्यों लगा रहे हैं सर हम? तो इसमें कोई अब देखो पूजित मंदिर तो है नहीं। नहीं, मतलब एक होता है ना रूल, मतलब मेरे को लगा आप कह इसमें एंटी क्लॉक वाइज लगा लेते हैं, क्योंकि हर मंदिर में क्लॉक वाइज परिक्रमा लगाई जाती है, तो हमने कहा कि इसको फॉलो करें, क्लॉक वाइज ही लगाएंगे। ओरल सेक्स, नेचुरल सेक्स, आफ्टर थ्री पोर्ट, थ्री अच्छे सेक्स की पोजीशंस दिखाई गई है। ओरल सेक्स, नेचुरल सेक्स, थ्री पीपल इन मीटिंग लिस्ट, तांत्रिक कंसेप्ट। ओके, मतलब कि सेक्स के लिए भी वो ये कौन दिखाएगा यहाँ पे? कोई पॉट है जी, उनके आश्रम का इनका अलग कम्यून हुआ करता था। अच्छा, तो एक इतने सारे लोग सेक्स करने के लिए लाइन में लगे? हाँ, वो कम्यून हुआ करता था, पता नहीं क्या क्या करते थे उसमें, वही लोग जाने ना। वो तो हमें तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये मतलब वेटिंग लिस्ट में है और वो पीछे से लाइन में लगे हुए हैं तांत्रिक लोग, उनका अलग कम्यून हुआ करता था जैसे उस। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं नेक्स्ट मंदिर के अंदर, विश्वनाथ मंदिर जो 1002 से 1025 के बीच में बना था। सेम इसमें भी वही प्लेटफॉर्म है, बीच में आपको बाहर अर्ध मंडप था, ये बीच में मंडप है, उसके आगे एक और पोर्शन होता है जिसके हम बोल सकते हैं स्टेयर्स, या एक पूरा का पूरा आपको प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर सबसे ऊंचाई पर हाइट में आपको मिलेगा मंदिर, जिसमें हमारा शिवलिंग है। शिवलिंग के हम आपको दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे मंदिर में जाने के लिए आप बच ही नहीं सकते, आपको चंद्रशिला जो होता है, चंद्रमा का जो निशान है, दोनों तरफ शंख है, इस पर आपको कदम रखकर ही अंदर जाना होगा, जिससे कि आपकी सारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए और तब आप मंदिर के दर्शन कर पाएं। क्योंकि इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है कि आप जंप कर जाएंगे अंदर। तो इसमें मैं कदम रखा पहला अपना राइट एंड देन मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, जहाँ पर मेन शिवलिंग है। भी ये हमने आपको अंदर शिवलिंग के दर्शन करा दिए हैं, अभी हम इसके आपको एक परिक्रमा करा देते हैं। सारी वैसे जितनी भी परिक्रमा हैं सबकी सेम है, ज़्यादातर कुछ मंदिरों में परिक्रमा पथ नहीं है, कुछ मंदिरों में परिक्रमा पथ है। जितने भी बड़े मंदिर हैं समूह के उन सब में परिक्रमा पथ आपको मिलेगा, सेम वही आर्किटेक्चर है, पर सीढ़ियाँ हर जगह की आपको देखो, मैं कह रहा हूँ हर मंदिर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। कहीं पर सीढ़ियाँ अलग तरीके से हैं, यहाँ पर अलग तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। देखिए मैं इन पर चढ़ रहा हूँ और जैसे आप इन पर चढ़ेंगे यहाँ पर तीन स्टेप खड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो आप देखेंगे ये मैंने स्टेप एक चढ़ा, दूसरा चढ़ा और अब मैं ऊपर तीसरे पे तो नहीं चढ़ रहा हूँ, यहाँ खिड़की है, गवर्नमेंट ने इसको ASI ने बंद कर रखा है, यहाँ पर मेडिटेशन होता होगा उस टाइम पर। तो ये है अलग अलग कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये शिव मंदिर है तो यहाँ पर शक्तियों की, योगिनियों की और जो माताओं की मूर्तियाँ जो खंडित हैं आज के टाइम में, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आक्रमण हुए थे और मोहम्मद गजनवी ने और बहुत डिफरेंट डिफरेंट मुगल राजाओं ने यहाँ पर मूर्तियों को खंडित भी किया है, और कुछ कहते हैं कि आपदाओं से भी कुछ कुछ ये मूर्तियाँ खंडित हुई हैं, क्योंकि बाद में इनको गवर्नमेंट ने यहाँ पर जब
खुदाई करके इन मंदिरों को बाद में देखा, तब जाके पता लगा कि यहाँ पे मंदिरों का पूरा समूह रहा है। सामने ही नंदी जी का एक मंदिर है, वो शिवलिंग है, तो सामने नंदी जी जरूर होते हैं हर जहाँ जहाँ शिव जी का मंदिर होता है। तो अभी हम जा रहे हैं नंदी महाराज जी के मंदिर में, जो विश्वनाथ मंदिर के डायरेक्ट सामने आपको देखेंगे। ये सिंगल पत्थर को सर तराश के बनाई गई है मूर्ति नंदी महाराज जी की, लाइमस्टोन से रेस्टोर किया गया है। लाइमस्टोन से सिंह के बीच से जो सिंह के, अच्छा मैं ऊपर चढ़ के ही देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप वो सिंहों के बीच से देख पा रहे हैं, वो बीच में जो आपको ब्लैक ब्लैक होल दिख रहा है वो मंदिर का गर्भगृह है। तो नंदी जी एकदम सीध में होते हैं शिव जी के गर्भगृह में, जहाँ उनका शिवलिंग स्थापित होता है। 90 डिग्री पे होते हैं, पैरेलल ऊंचाई होती है। आइएगा अब चलते हैं, ये मंदिर बहुत नया है सर, 1784 से 1884 के ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था इसे। हाँ, महाराजा यहाँ रियासतें थी। अच्छा, महाराज छतरपुर हैं, उनका पैलेस सामने है, सामने उनका बिल्डिंग है ये, प्रतापेश्वर महादेव, राजा प्रतापेश्वर, उन्होंने। तो उनकी फैमिली आज भी यहाँ पर रहती है? जी हाँ, यहाँ पर रहती है। ये सब बाजार उन्हीं का है, सामने पैलेस है उनका, एक MLA है वो यहाँ पर। महाराज ने अपने नाम पर इस मंदिर को बनवाया है, उन्होंने अपने जीवन काल में वो सामने बिल्डिंग बनाई थी, मेमोरियल सामने जो मेमोरियल है, मार्केट है पूरी, वो पूरा उन्होंने ही ये मंदिर बनाया। तो आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये वाला है प्रतापेश्वर महादेव मंदिर, आप इसे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्या हिस्ट्री रही है पूरी। भाई और एक मंदिर हमारे परमेसिस के बाहर है, तो वो हम आपको बाद में दर्शन कराएंगे यहाँ से परमेसिस घूमने के बाद। बाकी हमने ये पूरे मंदिर आपको दिखा दिए हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पीछे पूरा घूमते हम यहाँ पर राइट से हम पूरा बाहर निकले हैं। तो सर ने हमें पूरा पश्चिमी समूह दिखाया और सर हमारे संग और भी मंदिर में दिखाएंगे। तो आज के लिए सर ने हमें पूरा परमेसिस घुमाया है। तो सर आप अपना एक बार नाम और फ़ोन नंबर बता दीजिए, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताएंगे अगर आप खजुराहो आते हैं। मेरा नाम गणेश दत्त शर्मा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टूरिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिशियल गाइड हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 8085896505। तो कैसा लगा आपको ये पूरा खजुराहो के टेम्पल्स के समूह का वीडियो? मैंने आपको पश्चिमी समूह के सारे टेम्पल्स दिखाए, कौन से मंदिर ने आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा आकर्षित किया और जिसको आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आपकी लोकेशन पे आपकी सिटी में कोई अच्छे से मॉन्यूमेंट हो, मैं उनको भी आकर जरूर एक्सप्लोर करूँगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी deepakgrover4, वहाँ पर हम लोग बातें कर सकते हैं, मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें मेरा मध्य प्रदेश एक्सप्लोरेशन सीरीज चल रही है, इसमें मैं पूरी एक जो रूट है MP का वो कवर कर रहा हूँ, तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट इसमें कवर होने वाले हैं। तो आप वीडियो पर जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी न्यू वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नए सफर पे, किसी नए मोमेंट को, मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।